दोस्तों अगर आप भी ऋषभ पंत को एक बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों दिल्ली और हैदराबाद के बीच में खेले गए इस मुकाबले में दिल्ली के धुआंधार खिलाड़ियों ने इतना जबरदस्त प्रदर्शन करके दिखाया कि जिसके बाद तो टीम की प्रशंसा पूरी दुनिया में हो रही है। लेकिन वहीं इसी बीच इस मुकाबले के दौरान हमें एक ऐसा वाकया देखने को मिला जिसमें ऋषभ पंत ने कुछ ऐसा कर डाला जिसे देखकर हमें महेंद्र सिंह धोनी की याद आ गई। और इसी वाक्य पर पाकिस्तान के दिग्गज खिलाड़ी ने ऋषभ पंत पर अपना ऐसा बयान दे डाला जिसको सुनने के बाद तो आपके भी होश उड़ जाएंगे। चलिए बताते हैं आपको दोस्तों पाकिस्तानी दिग्गजों के बयान के बारे में। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि भारत और पाकिस्तान में कौन है सबसे बेहतरीन टीम? इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। दोस्तों दिल्ली और हैदराबाद के बीच में खेले गए मुकाबले में ऋषभ पंत ने बड़ी ही शानदार बल्लेबाजी के साथ साथ कप्तानी का भी प्रदर्शन करके दिखाया। लेकिन इसी बीच उन्होंने मुकाबले के दौरान एक ऐसा कारनामा कर दिखाया जिसे देखकर तो पूरा देश महेंद्र सिंह धोनी को याद करने लगा। ये वाकया है दूसरे ओवर का जब एनरिच नॉर्जे ने एक ऐसी गेंद डाली जो सीधा केन विलियमसन के पैड्स पर जा लगी। इसके बाद ऋषभ पंत ने इस गेंद पर डीआरएस लेने का फैसला लिया। लेकिन जब ये रिव्यू थर्ड एम्पायर के पास गया तो रिप्ले में देखा गया कि ऐसा लग रहा था कि गेंद बल्ले को लगी है और फिर जाकर पैड पर लग रही थी। उनके इस असफल रिव्यू को देखकर सभी भारतीय दर्शकों को महेंद्र सिंह धोनी की याद आ गई, क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी जब भी डीआरएस लेते हैं तो वो हमेशा ही उनके ही पक्ष में जाता है। लेकिन वही आज ऋषभ पंत महेंद्र सिंह धोनी की तरह डीआरएस लेने की कोशिश करते रहे लेकिन उन्हें निराशा ही हाथ लगी। दोस्तों इस वाक्य को देखकर पाकिस्तानी दिग्गज खिलाड़ियों ने ऋषभ पंत की जमकर खिल्ली उड़ाई है। दोस्तों सबसे पहले पाकिस्तान के पूर्व दिग्गज खिलाड़ी वसीम अकरम ने अपने बयान में कहा कि ऋषभ पंत भारतीय क्रिकेट का बहुत ही बड़ा शानदार खिलाड़ी है। उसने शानदार बल्लेबाजी और विकेट कीपर करके क्रिकेट जगत में बेशुमार नाम कमाया है। लेकिन जब भी महेंद्र सिंह धोनी की तरह खेल में कुछ कारनामे करने की कोशिश करता है तो इसको हमेशा निराशा का ही स्वाद चखना पड़ता है। इस खिलाड़ी ने हैदराबाद के खिलाफ महेंद्र सिंह धोनी की तरह डीआरएस लेने की कोशिश की तो उसको सिर्फ और सिर्फ असफलता का स्वाद ही चखना पड़ा। एक महेंद्र सिंह धोनी थे जिनका हमेशा रिव्यू उनके पक्ष में रहता था और एक ऋषभ पंत है जिनको हमेशा रिव्यू लेने में असफलता ही मिलती है। दोस्तों इसके बाद शोएब अख्तर ने अपने YouTube चैनल पर ऋषभ पंत और महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी के बीच में अंतर बताते हुए कहा कि एक महेंद्र सिंह धोनी है जो आंख बंद करके भी डीआरएस लेंगे ना तो वो हमेशा उनके पक्ष में ही जाएगा, और एक ऋषभ पंत है जो चार आंखें लगाकर भी डीआरएस लेने की कोशिश करेंगे तो वो उनके पक्ष में नहीं जाएगा, क्योंकि उन्होंने अभी भी महेंद्र सिंह धोनी जितना खेल को समझा नहीं है। इसीलिए वो ऋषभ पंत को सुझाव देना चाहेंगे कि वो महेंद्र सिंह धोनी बनने की कोशिश ना करें बल्कि जो है वही बन के रहें और अपने खेल पर ध्यान दें। वहीं दोस्तों इसके बाद शाहिद अफरीदी ने अपने बयान में कहा कि ऋषभ पंत जैसा खिलाड़ी जिसने लगातार शानदार प्रदर्शन करके पूरे क्रिकेट जगत में अपना नाम कमाया, बल्कि कुछ लोग तो इसकी तुलना महेंद्र सिंह धोनी से भी करते हैं, लेकिन वो इस बात को सिरे से नकारते हैं क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी जिस तरीके के खेल को समझते हैं और मुकाबले के दौरान डीआरएस लेते हैं वो हमेशा ही उनके पक्ष में जाता है। लेकिन वहीं ऋषभ पंत जो कि अभी युवा खिलाड़ी हैं उनको महेंद्र सिंह धोनी जितनी समझ नहीं है, इसीलिए जब वो रिव्यू लेने की कोशिश करता है तो वो कभी भी उसके पक्ष में नहीं जाता है। इसीलिए अभी ऋषभ पंत को काफी कुछ सीखना है महेंद्र सिंह धोनी जैसा बनने के। लेकिन दोस्तों पाकिस्तानी खिलाड़ियों के बयान सुनने के बाद आप सभी को क्या लगता है कि क्या ऋषभ पंत भविष्य में शानदार प्रदर्शन करके महेंद्र सिंह धोनी की जगह ले सकेंगे या फिर नहीं? नीचे हमें कमेंट सेक्शन में जवाब जरूर दीजिएगा और ऐसी ही खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।